people see the world of Chhatri Wali and think of Krosi Chhatri. What do you think? What is the perfect standard for the high school to get sex education in their subject? We all know algebra, geometry comes in 9th standard. No, but actually, since 2018, sex education is also a mandate in our country. Every school is supposed to have it. And even when I was in school, we used to have it. In 9th standard, we had a seminar. But जो सबसे ज़्यादा important बात है वो है कि खाली क्योंकि mandate है और किताबों में है और sessions हो रहे हैं वो नहीं, but किस तरह से conversation हो रही है वो हम film में भी दिखा रहे हैं कि books में भी reproductive system तो है but उसको पढ़ाया नहीं जा रहा, you know, काफ़ी areas में. तो mandate है, educational system ने कोशिश की है ताकि लोगों को सही एज पे education मिले, लेकिन हम किस तरह से वो education दे रहे हैं बिना awkward हुए, teachers किस तरह बच्चों को समझा रहे हैं, parents किस तरह समझा रहे हैं, I think वो ज़्यादा important. इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया as a population wise. वो भी कल, और प्लीज आज छतरी वाली देखो. क्या लगता है कितना परफेक्ट टाइमिंग हो गया छतरी वाली के लिए? ये अच्छी बात नहीं है कि हम बहुत आगे आ गए, बट ठीक है, फिर भी छतरी वाली देखो और समझो कि ये रेस वो नई रेस है जिसमें हमें फर्स्ट आना चाहिए. सो आई होप कि लोगों को फिल्म से कुछ सीख मिले. सिनेमा से हम बहुत सारे मैसेजिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जैसे राजू हिरानी जी की फिल्मों में होता है कि बहुत प्यार से हंसते खेलते आपको एक अच्छा मैसेज दिया गया है, ना कि एक ज्ञान के तरीके से, विच इज़ व्हाट आई रियली लाइक्ड. एंड आई फील दैट दिस फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर ऑल द गाइज. ऑफकोर्स बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है और रकुल है. तो इसके बारे में कभी चर्चा हुई? हम लोग काम के बारे में कभी बात नहीं करते, अनलेस शी वॉन्ट सम एडवाइस और आई वॉन्ट सम एडवाइस, बट वी आर टू डिफरेंट पीपल एंड वी लाइक टू कीप इट लाइक दैट. वेरी वेरी स्वीट फिल्म, इट्स अ फन एंटरटेनिंग फिल्म दैट वी ट्राई टू मेक. बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो उस पर मज़ेदार कहानी बनाना मुश्किल होता है. तो बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू तेजस एंड द वे ही यू नो कंसीव द फिल्म. And Rakul, of course, she's brilliant in the film. Sumiji, when the script came to you, what was your thought process behind everything? I just liked the script. I thought it was a very clean script. बहुत neat लिखी गई है कहानी और एक clarity of thought है. जब आप लिखते हैं तो वो समझ आता है और वही audience को ज़्यादा appeal भी करता है. Nervousness, excitement, क्या कुछ है फिलिंग? Of course, excitement होता है जब फिल्म चल रही है. बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्म है, आर एस फिफ्टी ने बनाई है. ऑफकोर्स उसका कुछ स्केल, उसकी उसका कंटेंट और उसकी मेकिंग जो है ज़बरदस्त होगी, ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. लेकिन मैंने तो पिक्चर पे काम किया तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट कॉमेडी है जिसमें रकुल पुरी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया. मेन रोल उन्हीं का है और जितने भी कलाकार हैं, सुमित व्यास हो, प्राची हो, सबने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली आहलूवालिया ने. और इसके डायरेक्टर जो हैं तेजस देशकर, वो बहुत ही सुझुए हुए डायरेक्टर हैं और जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था. और जो मेरा रोल है रतन लापा का, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जैसे मैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करता हूँ. और आपको एक नया सतीश कौशिक देखने को मिलेगा डेफिनेटली, विच इज़ अ वेरी मतलब इट इज़ ए वेरी क्वर्की, वेरी इंटरेस्टिंग बट इंडियन, ए वेरी स्वीट एंड इमोशनल रोल. आप लोग एक्साइटेड हैं? आई वांट टू नो वेदर यू ऑल आर एक्साइटेड. ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. व्हेन द स्क्रिप्ट केम टू यू, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल द थिंग्स व्हेन यू रीड द एंटायर स्क्रिप्ट, स्पेशली योर रोल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो एंड आई कम विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री हु आर अंडरगोइंग अ सिमिलर प्रॉब्लम. So I'm really thankful to Tejas and of course RSVP Movies to have chosen me to play this part. And really looking forward because ये film एक बहुत अहम मुद्दा दर्शाती है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज की generation को ये film देखना. तभी मैं अपनी बेटी के साथ आई and I want her to watch it just so that there is so much more awareness that we can talk about. Really excited right now because you know 2023 is starting. 2023
starting, you know, with RSVP Film, and I always love to work with RSVP. It's always a great pleasure to work with them. And my 2023 is starting with this film, so I'm, you know, very excited and very grateful. And how the script came to you, and when you saw the script, what was your thought process behind it? So, I don't remember how the script came to me, but when it did, when me and my mom, we both read it, we were like, it's RSVP, and the script, it was just amazing, so we were like, yes, we have to do it. What a rare combination hai ye. बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है ना ये कि एक हम बात बहुत ही क्या कहना मुद्दे की कर रहे हैं गहरी कर रहे हैं लेकिन बहुत ही लाइटली और मजाक के अंदाज में और वेरी लाइट फैमिली एंटरटेनर बेसिकली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म इट्स वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फिल्म एंड शी इज वर्क्ड रियली रियली हार्ड एंड इट्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ वी शुड गेट एजुकेशन अबाउट सेक्स Earlier in school, so really excited supporting the cause and wishing the team the best, and I hope everyone loves it and the film does really well. Absolutely excited because this is the day we all dreamt of when we started the project, and we have worked very hard. सब लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की है और सबका एक ड्रीम होता है जो आई थिंक आज हमारा पूरा होने जा रहा है. कल Zee5 पे रिलीज़ हो रही है फिल्म एंड जितनी मेहनत हम सब ने की आई थिंक ऑडियंस उसको देखेगा और ऑडियंस भी उसे पसंद करेगा तो हमारी मेहनत जो है पूरी सही जगह पहुंच गई ऐसा हमें लगा. वी आर वेरी एक्साइटेड. आई एम नॉट नर्वस एट ऑल. इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑडियंसेस रिएक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल. हमेशा ये होता है कि कहानी चूज़ करनी है वो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ अनोखी हो जो ऐसी हो जो इसके पहले शायद ना कही हो तो उसका एक यूनिकनेस उसका एक नॉवेल्टी बना रहता है. तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसी कहानी ढूंढें और लकीली हमें ऐसी कहानी मिली और इतने सारे हमारे पास में एक्टर्स मिले जिन्होंने वो किरदार बखूबी निभाए. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ऐसी कहानी लोगों के पास ले जा सकते हैं जो उनको देखने में मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा.